बीजेपी का स्टैंड ये है कि ये सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, ये सब कुछ तय हुआ है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। सनातन पर शेखावत के यानी गजेंद्र शेखावत के जवाबी हमले के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके हमला बोला। ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि G20 खत्म हो गया है और डिक्लेरेशन के पॉइंट 78 का कोई मतलब नहीं है। मोदी कैबिनेट के माननीय मंत्री हिंसा का समर्थन करते हैं, इसीलिए अब ये खुला सत्र होने वाला है, इस तरीके से घेरा है ओवैसी ने। हालांकि बयानबाजी का जो ये सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। जो अलग अलग हिस्सों से देश के ये बयानबाजी आ रही है वो सब सनातन के खिलाफ है। और आपको एक बार फिर सुनाते हैं हम कि राजस्थान में परिवर्तन रैली के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाड़मेर की रैली में कहा क्या। सनातन के अपमान पर बड़ी डीएमके की मुश्किल।